गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 8 इन योर सिविक्स बुक एंड द चैप्टर नेम इज अ शर्ट इन द मार्केट। इट्स माय लेक्चर नंबर 2। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किया था, सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया था, कर्नूल में कॉटन फार्मर के बारे में स्टडी किया था कि कॉटन फार्मर किस तरह से कॉटन ग्रो करते हैं और उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। देन सेकेंड हमारा टॉपिक था द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड, इरोड में क्लॉथ मार्केट किस तरह का रहता है, एंड पुटिंग आउट सिस्टम हमने स्टडी कर चुके थे। हमारे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये सारी चीज़ें स्टडी कर ली हैं। जो आज हमारा लेक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। दिल्ली के पास में जो गारमेंट को एक्सपोर्ट करने की मतलब बाहर भेजने की फैक्ट्री है उसका सीन है। अब सबसे पहले आपको ड्राइंग दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है, उस पिक्चर में काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, है ना। कुछ धागे उसमें से काटने का काम कर रहे हैं, कुछ बटन लगाने का काम कर रहे हैं, तो इस तरह का पिक्चर हम देख रहे हैं, ये एक फैक्ट्री का सीन है। तो अब हम इसमें स्टडी करते हैं कि ये किस तरह का सीन है और क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जो अब इरोड के मर्चेंट हैं वो अपने कॉटन क्लॉथ की सप्लाई करते हैं दिल्ली में। दिल्ली में एक फैक्ट्री है, गारमेंट फैक्ट्री है, उनको करते हैं। और जो ये गारमेंट फैक्ट्री है ये क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है क्लॉथ से शर्ट बनाकर। जो हमारा इरोड से क्लॉथ आया है उसका शर्ट बनाएगी ये फैक्ट्री और उसको एक्सपोर्ट कर देगी, दूसरी जगह भेजेगी, और ये मेनली भेजती है फॉरेन में, हमारे देश में नहीं एक्सपोर्ट कर नहीं सेल आउट करती है, ये सेल आउट करती है फॉरेन में। तो जितनी भी फॉरेन की कंपनी मेनली यूएस और यूरोप में यहाँ से सेल आउट होते हैं, मतलब जो दिल्ली में फैक्ट्री है ये अपने शर्ट को कहाँ पर, यूएस या यूरोप के मार्केट में सेल आउट करती है। तो इस तरह से जो बिज़नेस होता है, अब हमने देखा कि हमारे इंडिया का जो कपड़ा है, पहले कपड़ा कैसे बना उसको समझा था हमने कि क्लॉथ कैसे बनता है, देन वो सेल आउट हो रहा है, फैक्ट्री में जा रहा है, फैक्ट्री में जाकर शर्ट बन गया है और अब वो सेल आउट हो रहा है। अब जब वो सेल आउट करते हैं तो वो बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं इनकी टर्म्स के लिए, जितने भी फॉरेनर रहते हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, उनकी डिमांड रहती है। फर्स्ट तो डिमांड रहती है कि एक लोएस्ट प्राइस पर वो सप्लाई मांगते हैं, बहुत कम कीमत पे हमसे परचेस करते हैं वो इस प्रोडक्शन को। दूसरा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, मींस एक पर्टिकुलर क्वालिटी उन्हें चाहिए, उस क्वालिटी में कोई भी वो समझौता नहीं करते। सेकंड थिंग आती है टाइमली डिलीवर, अगर वो टाइमली डिलीवर नहीं रहेगा, उन्हें एक पर्टिकुलर मंथ दे दिया, इस मंथ तक इतने हमें ऑर्डर चाहिए, अगर आपने नहीं डिलीवर किया तो वो काफ़ी स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो करते हैं, और जरा सा भी अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट हुआ या थोड़ा सा भी हम लेट हो गए तो वो उसे सपोर्ट नहीं करते, उसे बड़े स्ट्रिक्टली हैंडल करते हैं, जितनी भी डिलीवरी है उसको स्ट्रिक्टली हैंडल करते हैं। तो अब हमने एक चेन देखी है कि किस तरह से कॉटन बनता है, कॉटन से फिर फैक्ट्रीज में जा रहा है, फैक्ट्रीज से आगे जा रहा है। तो इसलिए जितने भी एक्सपोर्टर हैं, अब क्या हो रहा है, जो भी पावरफुल बायर्स हैं इनके हाथ में चले गए हैं, बायर्स जितने भी बायर्स खरीदने वाले हैं इनके अकॉर्डिंग ही जो हमारे एक्सपोर्टर हैं उनको काम करना पड़ता है। अभी तक हम देख रहे थे कि जो कपड़ा बनाता है वो मर्चेंट के अकॉर्डिंग काम करता है, अब एक्सपोर्टर पे आ गए तो एक्सपोर्टर किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, बायर्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अभी हमने ये देखा है इसके थ्रू कि एक्सपोर्टर बायर्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अब क्या होता है, इनको एक कम माल में कम कीमत में माल को बेचना होता है, तो अब प्रेशर कहाँ आ जाता है, जो फैक्ट्री ओनर आता है इस पे प्रेशर आता है, इन्हें कॉस्ट भी कम करनी है, अपनी जो सामान बनाना है उसकी कॉस्ट भी कम करनी है और टाइमली भी काम कराना है। तो अब ये क्या करते हैं, अगर फैक्ट्री मालिक पर आता है तो ये सीधा कहाँ वो होगा कि ये एक मिनिमम मैक्सिमम वर्क तो वर्कर से लेंगे, लेकिन उन्हें पैसा कितना देंगे, लोवेस्ट वेजेस पे हायर करेंगे, मतलब फैक्ट्री का जो मालिक रहेगा वो बहुत कम कीमत में लोगों से ज़्यादा टाइम काम करवाने पर इम्फेसाइज करेगा कि बहुत कम कीमत में हमें नौकर मिल जाए और वो बहुत ज़्यादा काम करके दे, बहुत ज़्यादा घंटे काम करके दें। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, है ना, और जो फॉरेनर बायर्स हैं इनको एक चीपली रेट में, चीपली प्राइस में अपना स्टॉक भी सेल आउट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो इस पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है कि फैक्ट्री मालिक किस तरह से एक
कम प्राइस में वर्कर को सर्च आउट करता है। तो यहाँ पर एक इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री दी हुई है, उसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि सपोज़ उसमें 70 वर्कर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, और उसमें जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उसमें से अधिकतर हैं वुमेन हैं। तो वुमेन जो हैं वर्कर, ये सारे वर्कर टेम्प्रेरी बेसिस पे काम करते हैं। जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं टेम्प्रेरी बेसिस पे काम कर रहे हैं। मींस क्या हुआ, इसका मींस ये हुआ कि जो ओनर है, फैक्ट्री का मालिक है, वो इन्हें कभी भी काम से निकाल सकता है। जब भी उसे ज़रूरत नहीं रहेगी इन्हें काम से निकाल देगा। और सारे वर्कर कैसे होने चाहिए, उसके स्किल्स फुल होने चाहिए। अब जो इनकी फैक्ट्री में काम करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है टेलर को पर मंथ 3,000 रुपीज़ पर मंथ वो सैलरी देता है। और जो बाकी के जो एम्प्लॉय हैं, जो कि थ्रेड कटिंग करते हैं, कोई बटन लगा रहा है, कोई आयरन मैन प्रेस कर रहा है, कोई पैकेज कर रहा है, जो तैयार माल है उसको पैक कर रहा है, तो उन सबको तो टेलर से भी कम वेजेस पे रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम पेमेंट ये लोग करते हैं। यहाँ पर सबकी सैलरी दी हुई है, टेलर 3,000 है, आयरन करने वाले को पर पीस 1.50 रुपीज़ मिलते हैं, मतलब 1.5 रुपया सिर्फ मिलता है एक शर्ट पे प्रेस करने का। और जो थ्रेड कटिंग है उसको भी 1,500 रुपये मंथली मिलता है, इसको 2,000 रुपये मंथली मिलता है। तो ऐसे बहुत मिनिमम प्राइस पर ये लोग काम करने वालों को अपॉइंट करते हैं। अभी हमने हमारी इंडिया का देखा, दिल्ली की फैक्ट्री के सीन देख रहे हैं अभी हम। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम अलग सीन देखते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट। जो हमारी शर्ट गई है यूनाइटेड स्टेट में, वो वहाँ पर किस प्राइस पे सेल आउट होती है। तो यहाँ पर जो हमारा USA है, यूनाइटेड स्टेट है, यहाँ पर कपड़े की बहुत बड़ी बड़ी बहुत सारी शर्ट्स, बहुत बड़ी दुकान है जिसमें कपड़े बहुत सारे दिखाए गए हैं। अब उनकी प्राइस है $26, जो कि हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1,800 के रुपीज़ के आसपास वो यहाँ का रहेगा। मींस जो हमारे यहाँ की शर्ट गई है वो कितने में सेल आउट हो रही है, वहाँ 1,800 रुपये में सेल आउट हो रही है। तो ये डिफरेंस देखिए, अब यहाँ पर पूरा डिफरेंस दिखाया गया है कि जो गारमेंट एक्सपोर्टर थे उन्होंने शर्ट 3,000 रुपीज़ में इनको सेल आउट की है। अब 3,000 रुपीज़ में जब सेल आउट की है तो उनको जब वो देखेंगे तो द क्लोथ एंड द रॉ मटेरियल कॉस्ट हिम 100 रुपीज़ पर शर्ट। जब वो 3,000 रुपीज़ में बेच रहा है तो जो उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है और जो वो उसकी है तो उसको 100 रुपये पड़ रही है ना। और द वर्कर वेजेस कॉस्ट अनादर ₹25 पर शर्ट। मीन्स जो वर्कर हैं उनको जो वो है 25 रुपीज़ पर शर्ट के आराम से वो दे रहा है। तो कुल मिलाकर उसे 150 के आसपास की जो शर्ट पड़ती है वो उन्हें बाहर जो एक्सपोर्ट करता है वो 3,000 में करता है। तो मतलब एक जो गारमेंट एक्सपोर्टर है एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। 3,000 रुपीज़ में उसे शर्ट पड़ रही है, उसे वो सेल आउट करता है, और 150 रुपीज़ में वो उससे बनाता है। मीन्स अगर हम देखें तो 150 रुपीज़ पर शर्ट वो अर्न कर रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। इतना ही क्या प्रॉफिट कॉटन जो ग्रो करते हैं उनको मिल पाता है क्या? नहीं, इस तरह का कुछ भी प्रॉफिट उन्हें नहीं मिलता है। तो आगे वाला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम यही पढ़ेंगे कि अलग अलग मार्केट में अलग अलग से मतलब लाभ मिलता है, सबको एक जैसा प्रॉफिट नहीं गेन होता है। हु आर द गेनर्स इन द मार्केट, मतलब मार्केट में लाभ कमाने वाले कौन हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक चेन है मार्केट में, है ना, कॉटन को ग्रो करने से लेकर मार्केट में जाने तक, मतलब सुपरमार्केट तक एक चेन है जो कि आपस में हर एक को जोड़ती है। तो अब हम इस चेन में देखते हैं कि क्या रहा है, इस पूरे इसमें दे रखा है कि किन लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर हम सोचें कि कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्हें बाइंग और सेलिंग से कुछ लाभ ही नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं मिला है उन्हें, तो जो कि हमने स्वप्ना वाला जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें उसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। और उसी की जगह अगर हम इस टॉपिक में पूरे में यही दिया हुआ है कि इसी की जगह अगर हम फैक्ट्री मालिक को देखते हैं तो उसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन किया है, और वीवर्स थे जो कि कपड़ा बना रहे थे उन्हें भी बहुत कम कॉस्ट पर मिल रहा था। उसके कंपेयर मर्चेंट जो थे उन्हें काफ़ी
अच्छा प्रॉफिट गेन हो रहा था। तो इस पूरे टॉपिक में यही दिया हुआ है कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रॉफिट लोग गेन करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट एंड इक्वलिटी। क्या जितने भी मार्केट हैं उनमें इक्वलिटी है, समानता है? अभी आपने लेसन स्टडी किया है, क्या आपने ये नोटिस किया है कि पूरे मार्केट में इक्वलिटी है? नहीं है ना, क्योंकि जितने भी फॉरेन बिजनेस पर्सन थे उन्होंने तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन किया है ना। उन्होंने गारमेंट एक्सपोर्टर से अच्छा प्रॉफिट गेन किया है। और अगर हम गारमेंट एक्सपोर्टर को भी देखें तो उन्होंने भी एक प्रॉफिट तो गेन किया है, लेकिन वो फॉरेन बिजनेस से कम किया है। और अगर हम स्मॉल फार्मर देखें तो उन्होंने तो कोई प्रॉफिट गेन नहीं किया है। वीवर्स का देखें, हम इरोड के वीवर्स का देखें तो उन्होंने तो कोई मेहनत इन दोनों ने ज़्यादा की है, किन्होंने कॉटन फार्मर्स ने की है, इरोड के जो व्यूवर्स थे इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका जितनी मेहनत है उतना प्रॉफिट क्या इनको मिल पाया है? प्रॉफिट जा रहा है गारमेंट एक्सपोर्टर को, फॉरेन बिजनेस पर्सन को, या फिर मर्चेंट को, जो बीच में ट्रेडर्स थे या मर्चेंट थे उन्हें ये सारा प्रॉफिट जा रहा है। तो हम मार्केट में इस तरह से देखते हैं कि जितना भी प्रॉफिट आता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन वन हैंड द मार्केट ऑफिसर प्रिपेयर अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क एंड टू बी एबल टू सेलिंग थिंग्स डेट दे ग्रो और प्रोड्यूस। इट कुड बी द फार्मर सेलिंग कॉटन और द वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ। तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग लेवल पर प्रॉफिट अलग अलग गेन हुआ है ना। और जितने रिच और पावरफुल पर्सन हैं वो उतना ही मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करते हैं, और उसके कंपैरेटिव अगर हम देखें तो जो लो प्राइस जिनके पास मनी नहीं है उनके पास इतना प्रॉफिट भी नहीं होता। पुअर डिपेंड है रिच और पावरफुल पर्सन पे, है ना। जितने भी पुअर हैं वो डिपेंड है रिच और पावरफुल पर्सन पे, और जितने भी वो लोन देंगे, जैसे अपन हमने देखा स्वप्ना का कि वो फार्मर थी, वो लोन पे डिपेंड है, मेहनत बहुत करते हैं। वीवर्स भी मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो पुटिंग आउट सिस्टम के थ्रू काम करते हैं, और वो भी मर्चेंट पे डिपेंड है। तो ये डिपेंडेंसी क्या कर रही हैं, इक्वलिटी नहीं लाने देती हैं मार्केट में। जो मार्केट में जो रिच पर्सन हैं वो बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो इस तरह का हमने देखा है कि इस लेसन में कि गरीबों का किस तरह से शोषण हो रहा है। इन सब के समाधान के लिए अगर कोई हम बात करें कि इन सब का कोई सॉल्यूशन है क्या, देन सॉल्यूशन में हमें दिखेगा कोऑपरेटिव सिस्टम। मतलब एक हम फॉर्मिंग करें कोऑपरेटिव सिस्टम को, मतलब सरकारी संस्थाएं बनाएं और जितने भी रूल्स लॉज बनाएं वो स्ट्रिक्टली फॉलो हों, तो हम इन सब चीज़ में इक्वलिटी ला सकते हैं। अदरवाइज़ हम कहीं पर भी इक्वलिटी नहीं ला सकते। तो ये लॉज क्या हैं, ये कोऑपरेटिव फॉर्मिंग क्या है, कि किस तरह से फॉर्म किया जा सकता है किसी भी सरकारी संस्था को, और किस तरह से लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा सकता है, वो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। अभी इस लेसन में हमने जस्ट ये बताया है कि कितनी अनइक्वलिटी है मार्केट में। क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा लेसन में वो रहेगा कि इक्वलिटी किस तरह से मार्केट में लाई जा सकती है। तो अभी ये लेसन यहीं फिनिश होता है, नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। गुड बाय।